टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन मूवी। सो ये साल 22 खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी है और ये साल एक से एक मूवी रिलीज हुई है और मोस्टली साउथ की मूवीज ने ही अच्छा कलेक्शन किया है और कुछ कुछ बॉलीवुड मूवीज ने भी अच्छा कलेक्शन किया है। सो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है बीस्ट। थालापति विजय की मूवी बीस्ट रिलीज हुई थी 13 अप्रैल को और ये एक पैन इंडिया मूवी भी थी। मूवी का बजट था 150 करोड़ का और ये एक्शन क्राइम मूवी ने टोटल 236 करोड़ का कलेक्शन किया है और ये मूवी हिट भी रही। नंबर 9 भूलभुलैया 2। मूवी रिलीज हुई थी 28 मई को। कार्तिक आर्यन की हॉरर कॉमेडी मूवी भी हिट रही और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये मूवी इतना अच्छा कलेक्शन कर सकती। टोटल 267 करोड़ के कलेक्शन के साथ ये मूवी हिट रही और बजट था मूवी का सिर्फ 70 करोड़ का। नंबर 8 दृश्यम 2। मूवी रिलीज हुई थी 18 नवंबर को। ये साल की ये बेस्ट क्राइम थ्रिलर मूवी है। दृश्यम 2 ये साल की पहली और आखिरी रीमेक मूवी भी रही है जो हिट रही। बजट की बात करें तो बजट है 50 करोड़ का और टोटल 310 करोड़ के कलेक्शन के साथ ये मूवी भी हिट रही। नंबर 7 द कश्मीर फाइल। मूवी रिलीज हुई थी 11 मार्च को। मूवी बेस है रियल इंसिडेंट पर। मूवी का बजट था सिर्फ 15 से 25 करोड़ का और ये मूवी 340 करोड़ के कलेक्शन के साथ सुपर हिट रही और ये मूवी डिजर्व भी करती है हाईएस्ट ग्रॉसिंग की लिस्ट में क्योंकि मूवी को पब्लिक ने इतना प्यार भी दिया। नंबर 6 कंतारा। मूवी रिलीज हुई थी 30 सितंबर। ये मूवी तो भाई साहब कमाल की है। मूवी को सिर्फ पहले कन्नड़ा लैंग्वेज जो ओरिजिनल है उसमें ही रिलीज किया गया था और पॉपुलैरिटी के चलते मूवी को हिंदी डब में भी रिलीज करना पड़ा। बजट की बात करें तो बजट है 16 करोड़ का और मूवी ने 450 के कलेक्शन के साथ मूवी सुपर हिट रही। नंबर 5 ब्रह्मास्त्र। मूवी रिलीज हुई थी 9 सितंबर को और ये मूवी ये साल की पहली सुपर हीरो मूवी है बॉलीवुड की। मूवी की बजट की बात करें तो बजट था 400 करोड़ का और ये मूवी ने टोटल 430 करोड़ के कलेक्शन के साथ हिट रही। मूवी को बनने के लिए 10 साल लगे इसीलिए इतना हाई बजट है मूवी का। नंबर 4 विक्रम। मूवी रिलीज हुई थी 2 जून को। कमल हसन की विक्रम मूवी भी ब्लॉकबस्टर रही। मूवी में एक्शन सीक्वेंस भी भर भर के है। बजट था 150 करोड़ का और मूवी ने टोटल 435 करोड़ के कलेक्शन के साथ ब्लॉकबस्टर रही। नंबर 3 पर है पोनियन सेल्वन 1। मूवी रिलीज हुई थी 30 सितंबर को। पोनियन सेल्वन 1 की सीक्वेंस स्टोरी अच्छी थी। मूवी में अच्छे अच्छे सेट डिजाइनिंग और सेट पीसेस भी थे। चोला साम्राज्य की स्टोरी देखने मिली। बजट की बात करें तो मेकर्स ने पार्ट 1 और पार्ट 2 के साथ बजट 500 करोड़ का बताया था। पहले पार्ट का समझ के चलिए 250 करोड़ का हो सकता है और 500 करोड़ के कलेक्शन के साथ ये मूवी भी सुपर हिट रही। ये मूवी का पार्ट 2 भी आने वाला है अप्रैल 23 में। नंबर 2 RRR। मूवी रिलीज हुई थी 24 मार्च को। RRR आपको तो पता ही है कितनी हिट रही है। फॉरेन टेरिटरी में भी ये सुपर हिट रही। RRR मूवी को 5 नॉमिनेशन मिले फॉरेन फिल्म अवार्ड्स में। बेस्ट पिक्चर, बेस्ट VFX, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म, बेस्ट डायरेक्शन और बेस्ट सॉन्ग नाटू नाटू के लिए। बजट था मूवी का 550 करोड़ का और ये मूवी ने भी सुपर ब्लॉकबस्टर के साथ 1200 करोड़ का कलेक्शन किया है। नंबर 1 KGF 2। मूवी रिलीज हुई थी 25 अप्रैल को और मूवी रिलीज होते ही रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना दिए। यश के स्वैग ने और प्रशांत नील के डायरेक्शन ने मूवी को अलग लेवल पर लेके गए। 100 करोड़ के बजट के साथ ये मूवी बनी और 1250 करोड़ के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ ये मूवी बम्पर ब्लॉकबस्टर हिट रही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।